नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो अधिकतर गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से एग्जामिनर हमारे नंबर कम कर देता है, तो उन गलतियों को पहले देखेंगे। कि जब भी कॉपी भरते हैं तो कई बार हम लोग नाम लिखने में, रोल नंबर लिखने में और आपके संस्था का कोड, ये सभी लिखने में गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो उन्हीं गलतियों को आज हम लोग सुधारेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम लोग पेपर देते हैं, प्रैक्टिकल पेपर देते हैं, तो एक हमें कॉपी दी जाती है जिसमें विभिन्न पॉइंट रहते हैं जिनको हम लोग भरते हैं। सबसे पहले कॉपी के ऊपर लिखा रहता है प्रावधिक शिक्षा परिषद और उस स्टेट का नाम। तो प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या जिस राज्य की कॉपी है वो वहां पर लिखा रहता है उस राज्य का नाम। फिर सेकेंड आ जाता है प्रयोगात्मक परीक्षा, आप किसका प्रैक्टिकल देने आए हैं। यदि आपका कोर्स ईयर वाइज है तो वहां पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष लिखा होगा, और यदि सेमेस्टर वाइज है तो उसी प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार लिखा होगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, तो जैसे कि प्रयोगात्मक परीक्षा, अब यहां पर हमारे यहां सिस्टम चलता है सेमेस्टर, तो आप प्रैक्टिकल किसका देख रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड का या थर्ड का या फोर्थ सेमेस्टर का। मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, प्रथम इसको यहां पर टिक कर देंगे एक। फिर आ जाता है केंद्र या संस्था का कोड, जो आपकी संस्था है, कॉलेज है, उसका एक कोड होता है जो कि आपके चार डिजिट का होता है, तो वो आप यहां पर भरेंगे। यहां पर इन चार खानों के बीच में आप परीक्षा कोड भरेंगे। फिर सेकेंड आ जाता है आपका पाठ्यक्रम का नाम, ब्रांच। अब आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच है आपकी, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है या बी फार्मा कर रहे हैं, तो आप यहां पर पाठ्यक्रम लिखेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए यहां पर हमारा ब्रांच जो है वो मैकेनिकल है, तो हम यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है विषय, सब्जेक्ट। आप बार बार देने किस सब्जेक्ट का आए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोम, हाइड्रोलिक्स, जिस सब्जेक्ट का आप बार बार देने आए हैं वहां पर आप यहां पर मेंशन कर देंगे, यहां पर आप भर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आता है रोल नंबर, जो कि आपका 13 डिजिट का होता है। मान लीजिए यहां पर हमने रोल नंबर मेंशन कर दिया 1 2 3 5 7 8 8 7 6 5 5 4 2, ऐसे आपका रोल नंबर यहां पर मेंशन कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉक छोटे रह जाते हैं या कम रह जाते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से ब्लॉक को आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद जब अंकों में लिख दिया तो फिर रोल नंबर हमें शब्दों में लिखना होता है। तो शब्दों में कई बार ऐसा होता है बच्चे हजार या लाख में काउंट करते हैं, नहीं, जैसे 1 है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1। अब चाहे आप हिंदी में लिखना चाहें या इंग्लिश में लिखना चाहें, तो जैसे कि आपका हिंदी में है तो आप लिखेंगे 1 2 3 5 7 8
पांच, मान लीजिए जगह नहीं बची तो आप यहां पे लिख सकते हैं चार और दो, ऐसे लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने यहां पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार कैसे काउंट किया और तो आपने लिखा 5 लाख या 6 लाख, वैसे नहीं लिखना है। एक है तो एक लिख देंगे, दो है तो दो, तीन है तो तीन, ऐसे हम लोगों को शब्दों में लिखना है। तो आपका यहां पे हो गया नंबर्स में और ये हो गया आपका शब्दों में। अब आता है परीक्षा तिथि। तो परीक्षा तिथि के लिए क्या है, जैसे मान ली आज की डेट है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 13, इसके बाद यहां पर स्पेस देंगे, ठीक है। फरवरी है तो यहां पर लिखेंगे 0 फिर 2, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चे एक ही लिख देते, नहीं, अगर 10 है तो 1 और 0, और अगर 1 है 2 है 3 है तो पहले 0 लिखेंगे फिर 2 3 4 जो भी आपका है वो भरेंगे। फिर आपकी यहां पर डेट वो रहेगा सन, जैसे 2024 चल रहा है तो 2024, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण एंट्री होती है। संस्था का कोड यदि गलत हो गया तो दिक्कत हो जाती है, या फिर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कॉपी आप भरते हैं तो बहुत ही सावधानी से भरना होता है प्रत्येक बारीकी, क्योंकि यदि कॉपी ही गलत होगी तो एग्जामिनर भी उस पर नंबर कम कर देता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की इच्छा होती है कि एग्जामिनर उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके बाद फिर आ जाता है यहां पर प्राप्त अंकों का विवरण। तो जैसे कि आपने प्रैक्टिकल 1 2 या 3, 3 प्रैक्टिकल दिए हैं तो यहां पर आपको जितने नंबर का प्रैक्टिकल है उसी के नंबर यहां पर मेंशन कर दिए जाते हैं। और नीचे रहते हैं परीक्षक के हस्ताक्षर। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब यहां पर जो एग्जामिनर है वो यहां पर आपके क्या करेगा, साइन कर देगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको देखना है किस सेमेस्टर में है या ईयर में है वो, सेकंड आपका केंद्र या संस्था का कोड वो आपको पता होना चाहिए, थर्ड पॉइंट है आपकी ब्रांच, वो तो सभी को पता होगी ब्रांच कौन सी है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो आप मेंशन करेंगे। और ये आगे आपका फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप बार बार देने आए हैं वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। फिर आपके पांचवा जो पॉइंट है वो है अनुक्रमांक, रोल नंबर। एक तो आपको अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है, अंकों में आप यहां पर मेंशन कर देंगे और उसी के हिसाब से यहां पर शब्दों में लिखेंगे। फिर आता है छठवां पॉइंट है आपका परीक्षा की तिथि, एक कॉलम छोड़ के हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वो गलत है। क्या करेंगे, पहले डेट एक कॉलम छोड़ा, मंथ के लिए 2 कॉलम है, फिर 1 कॉलम छोड़ा और जो 4 कॉलम है वो है आपके सन के लिए। तो आशा करते हैं कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे, काफी महत्वपूर्ण है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे प्रैक्टिकल के समय जो त्रुटि या गलती होती है उसको आप कम कर सकें। तो आप समझ गए कि वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारे नंबर कम कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे समय रहते उनके पास वीडियो पहुंचे और जो एग्जाम में गलती हो रही है, आपकी प्रैक्टिकल में गलतियां हो रही हैं उनको सुधार कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि कॉपी को प्रैक्टिकल में कैसे भरें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होगी कि कॉपियों में
एग्जाम में नंबर कैसे काट देते हैं, वो कौन कौन सी कमी रह जाती है जिसमें एग्जाम में नंबर आपके कम कर देते हैं, तो वो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।